हेलो एवरीवन। सो आज हम रिवाइज करने वाले हैं लेमिनार विस्कस फ्लो का जो टॉपिक है उसको, और इससे रिलेटेड कुछ जो फॉर्मूलेज वगैरह उनको मैं देखूंगा, डेरिवेशंस मैं नहीं कराऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं, यहाँ पे एक आप फिगर देख रहे हो और इस फिगर से आप ये देख सकते हैं ये कोई फ्लो फील्ड है। मान ली इस तरह से यहाँ कोई फ्लो हो रहा है और हमने एक छोटा एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया है ना, वो छोटा एलिमेंट क्या है, क्यूबॉइडल एलिमेंट। ठीक है, वो कैसा है, क्यूबॉइडल एलिमेंट। तो यहाँ पे कोई फ्लो फील्ड है और ये क्यूबॉइडल एक एलिमेंट है। अब इस क्यूबॉइडल एलिमेंट पे कौन सा फोर्सेस लग रहे होंगे, लेट अस कंसीडर इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ही ड्रॉ करें। तो सबसे पहले जो इसमें लग रहा होगा वो लग रहा होगा प्रेशर। ठीक है, प्रेशर फोर्स कहाँ लग रहा होगा, प्रेशर फोर्स हमेशा नॉर्मल लगता है। तो यहाँ पर ये प्लेन है, इस पर प्रेशर फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा, और ये प्लेन है, यहाँ पर प्रेशर फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा, क्योंकि फ्लो का आपका डायरेक्शन इस तरह से है। ठीक है, तो और प्रेशर फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है, टुवर्ड्स दी सरफेस, मतलब सरफेस के अंदर की तरफ होता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर फोर्स लग रहा होगा वो बेसिकली किस किस डायरेक्शन लग रहा होगा, इस तरह से लग रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेशर फोर्स लग रहा होगा वो भी इसके नॉर्मल लग रहा होगा और टुवर्ड्स दी सरफेस लग रहा होगा। ठीक है, दूसरे यदि हम बात करें यहाँ पर शेयर फोर्स लग रहा होगा, तो शेयर फोर्स किस तरह से लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। शेयर फोर्स लगेगा सरफेस पे, बेसिकली मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। मान लीजिए ये कोई फ्लो फील्ड है, ये स्टेशनरी प्लेट है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर मैंने स्टेशनरी प्लेट बना दी और इस तरह से लेयर की फॉर्म में फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये लेयर की फॉर्म में फ्लो हो रहा है। तो अब क्या होगा इसमें, यदि हम इसको एनालाइज करें तो इसकी जो टॉप लेयर है, ठीक है, इसकी जो टॉप लेयर है वो टॉप लेयर क्या करना चाहिए, इसको अपने साथ ले जाना चाहिए इस तरह से। तो इसके ऊपर इस तरह से फोर्स एग्जर्ट करेगी। ठीक है, तो इसने इस लेयर ने इसके ऊपर क्या कर दिया, एक्शन कर दिया। अब ये नीचे वाली लेयर है इसके ऊपर क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगी इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, शियर फोर्स जनरेट हो गया। ठीक है, क्या जनरेट हो गया, शियर फोर्स जनरेट होगा। और शियर फोर्स से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, इसका यहाँ पर एरिया कैलकुलेट लेके। ठीक है, तो आप देखोगे जो ऊपर वाला है ये वाला फेज होगा ऊपर वाला, तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस का जो डायरेक्शन होगा वो शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन कैसा होगा, हम किसका कंसिडर कर रहे हैं, इस वाले लेयर का, टॉप लेयर का। ठीक है, तो टॉप लेयर पे कैसा लग रहा होगा, इस वाले डायरेक्शन। ठीक है, और यदि हम बात करें किसकी, जस्ट होल्ड ऑन, ये जो फ्लूइड एलिमेंट हमने कंसीडर किया है ये बेसिकली फ्लूइड के अंदर का है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो टॉप लेयर होगी, टॉप लेयर इसको क्या करेगी, इस डायरेक्शन में ट्रैक करेगी। ठीक है, और यदि हम बॉटम लेयर की बात करें तो ये स्टेशनरी प्लेट है। ठीक है, ये स्टेशनरी प्लेट है, तो इसकी विसिनिटी में जो लेयर होगी उस लेयर को ये क्या करेगा, इस तरह से रिटार्ड करेगा। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन ऊपर इस तरफ ये होगा और नीचे इस डायरेक्शन में होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों होगा, क्योंकि इसके ऊपर वाली लेयर होगी वो लेयर इसको क्या है, साथ में ले जाना चाहिए, और नीचे प्लेट स्टेशनरी है तो स्टेशनरी प्लेट क्या करेगी, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करेगी, जिससे ये मूव ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आती है। अब जब आप इसका इक्विलिब्रियम वगैरह कंसीडर करेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फोर्स निकालना है, तो इसमें कुछ और नाम दे देते हैं हम, इसको मैं फटाफट से लिख दे रहा हूँ। ये बेसिकली है, यहाँ पे ये dx है और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है वो dy ले ले रहे हैं, और ये dz है। ठीक है, ये मतलब कुछ इस तरह से आप मान के चल सकते हो, इस तरह का फ्लूइड एलिमेंट है, ये x हो गया। ठीक है, और ये y हो गया, ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये y हो गया और ये z हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे फोर्स निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा, प्रेशर इनटू एरिया से फोर्स निकलेगा, तो प्रेशर इनटू एरिया से यदि आप फोर्स निकालोगे तो यहाँ पे जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा P इनटू dA। तो इस केस में यदि हम ए की बात करें तो ये रेक्टेंगुलर ये फेस इस पर लग रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, dz है, और ये वाले डिस्टेंस क्या है, dy है। ठीक है, तो P इनटू क्या हो जाएगा, dy इनटू dz। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो प्रेशर डिफरेंशियल आएगा इस तरह से, P प्लस डेल P बाई, ये डायरेक्शन क्या है, डेल एक्स इंटू डी एक्स, और इसमें फिर एरिया का मल्टीप्लाई डी वाई इंटू डी जेड। ठीक है, एरिया का मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही यदि हम शियर स्ट्रेस की बात करें तो यहाँ पे कितना शियर स्ट्रेस लग रहा होगा, यहाँ पे शियर स्ट्रेस लग रहा होगा टाउ। ठीक है, और शियर फोर्स का करना है तो शियर फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि आपका टाउ लग रहा है,
तो टाउ इंटू ए हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें एरिया कौन सा कंसीडर करना है, स्पेस पर लग रहा है, मतलब जैसे ये फ्लो रहा है, फ्लूड एलिमेंट है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस कहाँ लग रहा होगा, इस वाले फेस पर लग रहा होगा, इस वाले फेस पर लग रहा होगा। प्रेशर कहाँ एग्जर्ट हो रहा होगा, यहाँ पर एग्जर्ट हो रहा होगा, और इस वाले फेस पर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस के केस में आपको एरिया नीचे वाला कंसीडर करना है। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस के केस में एरिया, यदि इस एरिया की बात करें तो ये एरिया क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू डी जेड। ऐसे ऊपर वाले फेस पे शियर स्ट्रेस कितना लग रहा होगा, ऊपर वाले फेस पे जो शियर स्ट्रेस लग रहा होगा वो भी टाउ इंटू ए लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे टाउ है शियर स्ट्रेस, तो ऊपर शियर स्ट्रेस होगा टाउ प्लस डेल टाउ अपॉन, ये डायरेक्शन कौन सा है आपका, डेल वाई है ना, डेल वाई ऊपर की तरफ चला इंटू डी वाई। और एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला एरिया, तो ये क्या है डी एक्स है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी जेड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डी एक्स डी जेड, ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इसके बाद यदि आप और चीज़ कैलकुलेट करोगे इसमें, तो आप देखोगे आगे इसका इक्विलिब्रियम डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया, सारे फोर्सेस को कैलकुलेट करोगे, तो मैं फाइनल ये डेरिवेशन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेट करेंगे, है ना, और सारे फोर्सेस को इक्वल टू जीरो कर देंगे, क्योंकि हम इसको इक्विलिब्रियम में मानना है इस फ्लूइड एलिमेंट को। तो जब जीरो इक्वेट करोगे तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डी टाउ। तो इसका जो पहला इंपॉर्टेंट है वो है आपका ये डी टाउ अपॉन डी वाई, ठीक है, इक्वल्स डी पी वाई डी एक्स, या फर्दर चूंकि हम एक ही डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, डी टाउ अपॉन डी वाई इक्वल्स हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत पड़ती है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ आपको समझ आएगी। दूसरा आप क्या है, न्यूटन्स विस्कोसिटी आपने पढ़ रखा, तो टाउ इक्वल्स क्या होता है, म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है, ठीक है। तो म्यू की जगह टाउ की जगह आप क्या सकते हो, तो ये वाली वैल्यू पुटअप कर सकते हो, तो ये वैल्यू जब पुटअप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डी डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में म्यू डी यू अपॉन डी वाई इक्वल्स क्या हो जाएगा, डी पी वाई डी एक्स। ये हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हो, म्यू कॉमन ले सकते हो, डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल्स क्या जाएगा, डी पी वाई डी एक्स, है ना। इसको आप सिंप्लीफाई करके ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया आपका, दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया ये वाला, इसको और फर्दर मैं नीचे लिख देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसको चूंकि वन डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो पार्शियल की जगह इस तरह से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये दो इंपॉर्टेंट हो गए। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक केसेस कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसमें दो स्पेसिफिक केस मैं कंसीडर करूँगा, एक तो आपका फ्लो बिटवीन टू फिक्स प्लेट, और दूसरा इन अ पाइप, ठीक है, किस तरह से फ्लो होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टू स्टेशनरी प्लेट के बीच में। तो देखो इसमें क्या होता है, तीन चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी होती हैं, ठीक है। एक तो आपको कैलकुलेट करना होता है वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी केस में आपको क्या करना होता है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो गया, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना होता है मैक्सिमम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये हो गया एक चीज़। फिर आपको कैलकुलेट करना होता है शियर स्ट्रेस, और अगला आपको कैलकुलेट करना होता है प्रेशर ड्रॉप कितना हुआ, वो सारी चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेशनरी प्लेट कंसीडर कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आपको। स्टेशनरी प्लेट कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी इमीडिएट विसिनिटी में जो फ्लूइड होगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पर भी फ्लूइड होगा, उसकी विस्कोसिटी क्या, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम नो स्लिप कंडीशन कंसीडर करके चल रहे हैं, नो स्लिप का मतलब जो फ्लूइड की लेयर है और उसके बीच में कोई स्लिपिंग मोशन नहीं हो रहा है, तो फ्लूइड की लेयर क्या होगी, स्टेशनरी होगी, और यहाँ पर भी स्टेशनरी होगी, ठीक है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये इसका सेंटर है, और ये पूरा डिस्टेंस बी है, ये डिस्टेंस बी है, तो ऑब्वियसली सेंटर से ऊपर की डिस्टेंस बी बाई टू हो जाएगी, और नीचे वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, बी बाई टू हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने एक चीज़ देखी थी, एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया था जिसमें हमने देखा था कि आपका जो डी पी वाई डी एक्स होता है, ठीक है, वो डी पी वाई डी एक्स होता है, वो डी पी वाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, वो इक्वल्स होता है म्यू डी स्क्वायर यू अपॉन डी वाई स्क्वायर। अच्छा, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यदि आपने मैथ थोड़ी बहुत सही से पढ़ी है तो आपको यहाँ से क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि यदि हमें यहाँ पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, हम इसको दो बार इंटीग्रेट कर देंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो डी यू अपॉन डी वाई आ जाएगा, दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो यू आ जाएगा,
ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो इनडेफिनिट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो दो कांस्टेंट आ जाएंगे सी वन और सी टू, और कांस्टेंट की जो वैल्यूज फाइंड आउट करोगे वो कहाँ से फाइंड आउट करोगे, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके। तो बाउंड्री कंडीशन याद है, आप यहाँ पे देखोगे तो यू इक्वल जीरो है कब, जब बी की वैल्यू क्या है जीरो, है ना, या फिर आप डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान सकते हो या बाई मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब बाई है, बाई की वैल्यू क्या है जीरो, यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या है जीरो है। और दूसरा यू इक्वल्स जीरो तब भी है जब बाई की वैल्यू किसके बराबर है, बी के बराबर है, ये आपको समझ में आता है। तो ये बाउंड्री कंडीशन लगा के आप सी वन सी टू की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ये मैं कैलकुलेट इसलिए नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। अब मैं सीधा सा आपको इसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला वो लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यू इक्वल्स वन अपॉन टू म्यू, ये म्यू मालूम है आपको, म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या इसको डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी इसको बोलते हैं। और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस डी पी अपॉन डी एक्स, ये आप पूरा डेरिवेशन में करवाया हुआ है तो आप दूसरा लेक्चर उसके लिए देख सकते हैं, बी वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो यू आया है इसको किसके रिस्पेक्ट में कर दोगे, इंटीग्रेट बाई के रिस्पेक्ट में, और उसको जीरो इक्वेट कर दो। तो मैं यहाँ पे यू मैक्स डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो जब कैलकुलेट करोगे यू मैक्स तो आपका यू मैक्स आ जाएगा आपका ये, बेसिकली सबसे पहले इसमें बाई की वैल्यू आएगी और उस बाई की वैल्यू पे क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिलेगी। तो मैं आपको मैक्सिमम वेलोसिटी बता देता हूँ, ये मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिलेगी एट बाई इक्वल्स बी बाई टू, मतलब बिल्कुल सेंटर, सेंटर ऑफ द फ्लो पे आपको वेलोसिटी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। आगे यदि आप देखोगे तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी के इस एक्सप्रेशन में क्या बाई इक्वल्स बी बाई टू आप रख दोगे, बाई इक्वल्स बी बाई टू रख दोगे तो क्या मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। सबसे पहले आपने मैक्सिमम वेलोसिटी का लोकेशन निकाल लिया एट बाई इक्वल्स बी बाई टू, लोकेशन कैसे निकाला, आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू बाई। अब मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे बाई इक्वल्स बी बाई टू पुटअप करेंगे, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। तो ये आ जाएगा आपका इस तरह से बी स्क्वायर अपॉन एट म्यू और माइनस डी पी वाई डी एक्स, ठीक है, ये आपका आ गया। तो यू मैक्स निकला है, अब आपको ये वो निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बेसिकली सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज को जब आप एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकला है, एक्चुअल वेलोसिटी निकालेगी। तो वो सब मैं निकालने नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे पुटअप कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे एवरेज वेलोसिटी का मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया बी स्क्वायर अपॉन ट्वेल्व यू माइनस डी पी वाई डी एक्स, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी निकालते कैसे हैं, डिस्चार्ज निकाला आपने, डिस्चार्ज को एरिया से डिवाइड कर दिया तो एवरेज वेलोसिटी निकल आई। तो यदि आप यहाँ से इसको कंपेयर करोगे किससे, मैक्सिमम वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन से, तो सिर्फ क्या फर्क है यहाँ पे, डी पी वाई माइनस डी पी वाई डी एक्स उधर भी है और यहाँ पर भी है, वहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन एट म्यू है और यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ट्वेल्व म्यू है बी एक्स में। तो यदि क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि आपका मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बीच में क्या रेशियो होता है, तो आप निकालोगे बी मैक्स अपॉन बी एवरेज, तो एट अपॉन ट्वेल्व आ जाए क्योंकि बाकी सारे टर्म एज है, तो टू अपॉन थ्री यहाँ पे आ जाता है। तो वी मैक्स जो निकालते हैं वो इक्वल्स आ जाता है 1.5 वी एवरेज। तो गेट वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जब फ्लो दो स्टेशनरी प्लेट के बीच में होता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी इज 1.5 टाइम्स द एवरेज वेलोसिटी। अगला हम कैलकुलेट करते हैं शेयर स्ट्रेस। आपको बिल्कुल कनेक्ट रहना है ध्यान से, स्टार्टिंग से हमको क्या कैलकुलेट करनी है, तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और फर्दर क्या कैलकुलेट करना है आपको, मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। अब शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, तो शेयर स्ट्रेस में आपने देखा टाउ इक्वल्स म्यू डी यू अपॉन डी वाई फॉर्मूला होता है, तो टाउ इक्वल्स यहाँ से हम क्या करेंगे, इस यू की ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी वैल्यू आ चुकी है, उस वेलोसिटी को यहाँ पे पुट अप कर देंगे, पुट अप करोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, वो मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ, ये आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब यदि आप यहाँ पे देखो मिनिमम और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू, ठीक है, तो ये तो कभी जीरो नहीं हो सकता, मिनिमम वैल्यू ये बाई की वैल्यू बाई बाई टू हो सकती है, ठीक है, तो बाई इक्वल्स बाई बाई टू हो जाए, सॉरी बाई इक्वल्स बी अपॉन टू हो जाएगा, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो मतलब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो कहाँ लाई करेगी, एट द सेंटर। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये हम शेयर स्ट्रेस का वो डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, तो ये दो फिक्स प्लेट हैं, ठीक है, ये सेंटर है, तो सेंटर पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, टाउ इक्वल्स जीरो होगा, ठीक है।
अब यदि मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करोगे तो मैक्सिमम कब होगा, जब बाइक वैल्यू क्या हो गई, जीरो होगी। और बाइक वैल्यू जीरो कहाँ पर है, सेंटर पे। आपको ध्यान रखना है बाइक हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, सेंटर से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये शियर स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपकी कहाँ लाई करती है, एट दी विसिनिटी ऑफ द प्लेट, ठीक है। और मिनिमम शियर स्ट्रेस कहाँ लाई करेगी, एट दी सेंटर, मिनिमम शियर स्ट्रेस सेंटर पर लाई करेगी। तो यहाँ पर यदि आप टाउ मैक्स को लिखना चाहें, टाउ मिनिमम तो क्या हो गया, जीरो हो गया। और टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, जब बाइक की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब बाइक, तो टाउ मैक्स आ जाएगा आपका माइनस, टाउ मैक्स आ जाएगा आपका माइनस डी पी वाई डी एक्स और इंटू बी वाई टू, ठीक है। ये टाउ मैक्स की आपकी वैल्यू आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम कैलकुलेट करते हैं प्रेशर। अगला है आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तक आपने दो चीज़ कैलकुलेट कर ली, क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, अभी तक आपने वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया, मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आपने क्या कैलकुलेट किया, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस में आपने देखा कहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है और कहाँ पे मिनिमम शियर स्ट्रेस लाई करती है। अब हम कैलकुलेट करते हैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी आपने देखा वी एवरेज का फॉर्मूला निकाला था, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, वो ये है आपका वी स्क्वायर अपॉन 12 म्यू, ठीक है, माइनस डी पी वाई डी एक्स, ठीक है, माइनस डी पी वाई डी एक्स। तो आप क्या करोगे, ये वाले टर्म्स को उस तरफ भेज दोगे, तो यहाँ से माइनस डेल पी इक्वल्स आ जाएगा वी स्क्वायर, ओके। और ये उधर, ये सारे टर्म्स आपने कहाँ उधर भेज दिए, तो ये बेसिकली इस तरह हो जाएगा 12 म्यू इंटू वी ए बी और ये डेल एक्स अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला टर्म इधर चला जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो नीचे आ गया, तो ये आ गया आपका डेल पी, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ठीक है। तो यदि आप डेल्टा एक्स की बात करें तो डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट करेगा लेंथ, मतलब पॉइंट वन और टू जो आपने कंसीडर कर रखे हैं वहाँ पे उनके बीचों कितना डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करेगी, लेंथ रिप्रेजेंट करेगी। यदि आप यहाँ पर देखोगे ये जैसे प्लेट है, ठीक है, तो ये आप dx ले रहे हो इस वाले डायरेक्शन में, तो यहाँ से यहाँ तक जो आप डिस्टेंस ले रहे हो वो क्या होगा, dx, या उसको l बोल सकते हैं। तो हम यहाँ माइनस डी पी इक्वल्स क्या हो जाएगा, 12 म्यू वी ए बी और ये dx के लिए क्या लिख सकते हैं, l अपॉन बी स्क्वायर। और डी पी क्या है, चेंज इन प्रेशर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, पी वन माइनस पी टू इक्वल्स 12 म्यू वी एवरेज इंटू एल अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। और यदि आप इसको प्रेशर हेड के टर्म्स में दिखाना चाहें तो प्रेशर हेड के टर्म्स में दिखा सकते हैं। प्रेशर हेड के टर्म्स में क्या करना पड़ेगा आपको, डब्ल्यू सी वाइड का, तो प्रेशर हेड के टर्म्स में दिखाओ तो पी वन माइनस पी टू अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक वेट, ये क्या हो जाएगा, ट्वेल्व म्यू वी एवरेज एल अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पर डब्ल्यू से इधर डिवाइड किया तो यहाँ पर भी डब्ल्यू आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं जब आपको प्रेशर हेड दिया होता है, तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गए जो कि आपको यूज़ करने हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय।